तो मेरे भैया, जैसा कि आप सभी को पता है कि मेरे पास जियो एयर फाइबर है और जियो एयर फाइबर के ऊपर मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई हैं, जैसे कि बारिश में वर्क करता है कि नहीं करता है, OTT जो सेट टॉप बॉक्स में हमें देखने को मिलती है वो फ़ोन में चलती है या नहीं चलती है, स्पीड कैसी आती है, और रिसेंटली ही एक वीडियो में डाल के हटा हूँ कि जियो एयर फाइबर हम अगर अदर लोकेशन पे लेके जाते हैं तो वर्क करता है या नहीं करता है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आपने अभी तक ये वाली वीडियो नहीं देखी जो जाके देख सकते हो। बट अगर आपने फुल रिव्यू देखना है, मैंने अपना एक मंथ का फुल रिव्यू डाल दिया है, अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है, अगर आपने रिव्यू वाली वीडियो नहीं देखी जाके तो देख सकते हो। बट आज की वीडियो मैंने बनाई नहीं थी, सो जब से मैंने जियो एयर फाइबर लिया है सो मैंने वीडियो बनाई नहीं थी। सो ये वीडियो है कि मान लो कि जियो एयर फाइबर जो है, जैसे कि आप सभी को पता है, इसके साथ हमें इंडोर और आउटडोर यूनिट, ये आउटडोर है ये इंडोर है, ठीक है, दो यूनिट मिलते हैं। ठीक है, आप सभी को पता है कि आउटडोर यूनिट छत पे लगता है, ठीक है, तो मैंने इसको छत से उतार लिया है और अपने रूम में लेके आ चुका हूँ। और अगर मैं 5G की बात करूँ, हमारे रूम में 5G बहुत अच्छे तरीके से चलता है, मोबाइल में और छत पे भी। बट कई कई विलेजेस में, कई कई शहरों में ऐसा भी होता है कि छत पे तो बहुत अच्छी कवरेज आती है, 5G की रेंज अच्छी आती है, बट जैसे ही वो कमरे में आते हैं, ठीक है, अपने रूम में आते हैं, तो उनको 5G नेटवर्क बहुत ही कम देखने को मिलते हैं या फिर मिलते नहीं है, उनको छत पे जाना पड़ता है। सो मेरे भाई कई मेरे को बोलते भी हैं कि जियो फाइबर मैं लूँ या ना लूँ, तो मेरे भाई अगर छत पे आ रही है तो छत पे आपका आउटडोर लग जाएगा तो आपका एयर फाइबर है जो अच्छे से चलेगा। बट मोबाइल में दिक्कत आती है क्योंकि आपको अंदर ही रह के चलाना पड़ता है, आप बाहर थोड़ी जाओगे, तो ऐसा है कि आउटडोर आपके बाहर लग जाएगा और इंडोर वाला अंदर लग जाएगा। ये इंडोर जो है इसके ज़रिए ही आप इंटरनेट यूज़ कर पाओगे, तो आप यूज़ कर सकते हो। बट आपको इस वीडियो में ये बताने वाला हूँ कि मतलब अगर इंडोर को अगर हम छत से निकाल के रूम में लेके आते हैं तो वर्क करता है या नहीं करता है। अगर वर्क करेगा तो स्पीड में तो नहीं कोई डिफरेंस हमें दिखाई देगा। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा रहा हूँ कि जब मैंने आउटडोर यूनिट छत से निकाला नहीं था तब कितनी मेरे को स्पीड मिल रही थी, ठीक है जी। सो आप देख पा रहे हैं कितनी स्पीड मेरे को जियो फाइबर में मिल रही थी जब मैंने अपना इंडोर या फिर आउटडोर यूनिट निकाला नहीं था, ठीक है जी। अब बारी आ जाती है कि मैं आपको ये चेक करवाऊँ कि जो आउटडोर यूनिट अगर हम रूम में लेके आते हैं तो ये चलता है या नहीं चलता है, अगर चलता है स्पीड में कोई डिफरेंट नज़र आता है या नहीं आता है, ठीक है जी। जैसे कि आप सबको पता है ये इसका अडेप्टर है, ठीक है जी, और अडेप्टर मैं लगा देता हूँ। ये है जियो एयर फाइबर इंडोर यूनिट, और जैसे कि हम सभी को पता है इसके पीछे एक ये वाली मेन वैन पोर्ट होता है, ये लगाना पड़ता है, और एक होता है ये पावर देने वाला स्विच, ये लगाना पड़ता है, और ये लगाने के बाद हमको एक इसके साथ एक जैसे कि ये वाला जो अडेप्टर है इसका, इसमें एक वायर होती है, ठीक है जी, इसमें एक वायर होती है, इसमें लगानी पड़ती है, और एक इसमें वायर जाती है आउटडोर यूनिट में, ठीक है, वो मैं इसमें लगा देता हूँ। मैं यहाँ से लगा देता हूँ, और जैसे ही मैंने लगाया है तो यहाँ पे आउटडोर यूनिट में एक लाइट जलने लग गई है, तो इंडोर में भी एक लाइट जल जाती है, ठीक है। और जो दोनों लाइट्स होती हैं उसमें से हमें ये पता चल जाएगा कि इंडोर में चलता है या नहीं चलता है जियो फाइबर, ठीक है। देख सकते हैं कि लाइट जो है अभी ब्लिंक कर रही है, ठीक है जी, देख पा रहे हैं कि जियो फाइबर में अभी जो लाइट है वो स्टेबल हो चुकी है, ठीक है, और इसका मतलब कि इसने इंटरनेट लेना शुरू कर दिया है जियो ने अपना, है ना। अगर हम इसका आउटडोर में दिखाऊं तो आउटडोर में भी पहले ब्लिंक कर रही थी लाइट जो नीचे वाली होती है, अब वो स्टेबल हो चुकी है। आप देख पा रहे हैं कि जियो एयर फाइबर मैं यहाँ पे कनेक्ट करने वाला हूँ, यहाँ पे दिखाएगा, यहाँ पे आ चुका है एयर फाइबर, ठीक है, एयर फाइबर पे ऊपर क्लिक कर दूंगा मैं और ये कनेक्ट हो जाएगा, हो गया। और अब मैं स्पीड टेस्ट आपको दिखा रहा हूँ कि अगर
इंडोर आउटडोर यूनिट को हम अंदर रूम में लेके आते हैं तो स्पीड में क्या डिफरेंस देखने को मिलता है? जियो लिखा आ चुका है, सो अपलोड भी 29 आ रही है, 28 डाउनलोड स्पीड आ रही है, ठीक है जी। सो इसका मतलब ये है कि डाउनलोड और अपलोड हमें उतनी ही मिल रही है जितना मैंने प्लान लिया है। मैंने 30 Mbps वाला प्लान लिया है और 30 Mbps के हिसाब से जो स्पीड है मेरे को बहुत ही अच्छी देखने को मिल रही है। सो इसका मतलब ये है कि आउटडोर यूनिट आप रूम में भी रख सकते हैं, बट उनको वो लोग नहीं रख सकते हैं जिनकी 5G की मतलब रेंज कम आती है। आपके एरिया में, विलेज में, सिटी में, कहीं पे भी रहते हो, जियो की मतलब के 5G के नेटवर्क आपके रूम में नहीं आते हैं, तब आप आउटडोर यूनिट अगर रूम में लेके आओगे तो एयर फाइबर आपका काम नहीं करेगा, क्योंकि ये 5G के ऊपर काम करता है। हो सकता है 4G के ऊपर भी काम करता हो, बट मैंने अभी तक 4G के ऊपर इसको चला के नहीं देखा है, क्योंकि मैं पिछली जो वीडियो आपने देखी है उसमें मतलब के जब मैंने सिटी चेंज की थी, मतलब कि एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन में जब मैं गया था तब वहाँ पे भी 5G नेटवर्क ही था। अगर 4G होता तो बहुत ही अच्छी बात थी, बट चक्कर यह है कि जियो ने ऑलमोस्ट हर एक जगह पे अपना 5G जो है वो इंस्टॉल कर दिया है, 5G नेटवर्क मतलब बिछा दिए हैं, सारा नेटवर्क आने लग गया है। तो मेरे को लगता नहीं कि हमारे नज़दीक विलेज में कहीं पे भी 4G आता है, 5G ही आता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपके एरिया में, आपके रूम में 5G की कवरेज कम है, 5G की रेंज कम है, तो आउटडोर यूनिट आपको छत पे ही रखना चाहिए, क्योंकि ये छत पे लगाने के लिए ही दिया गया है। मैं तो सिर्फ एक टेस्टिंग पर्पस से अपने रूम में लेके आया हूँ कि इन केस बाय चांस अगर हमें मतलब कि ऐसा करना पड़े तो वर्क करता है या नहीं करता है, बट आपको यहाँ पर रखने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये बनाया ही छत के ऊपर लगाने के लिए, ताकि आपको बेटर स्पीड मिल सके, बेटर पिंग मिल सके और आपको कोई भी इंटरनेट चलाने में दिक्कत ना हो, ठीक है जी। और भी मेरे भाई कुछ पूछना चाहते हो तो कमेंट में पूछ सकते हो, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर सकते हो, और ऐसी इन्फॉर्मेशन डेली देखना चाहते हो तो टेक पत्र यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, टिल देन हैव अ ग्रेट डे, ऑलवेज कीप स्माइलिंग, जय हिंद।